ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस फेजेस ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया. कंज्यूमरिज्म का मतलब हो गया कि एज ए कस्टमर हमारा क्या सिचुएशन रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन का फेज एंड अलग अलग फेजेस में हमारे ऊपर जो है किस तरीके का हमारा पार्टिसिपेशन रहा है इंडियन मार्केट में. एज ए कंज्यूमर हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या करना चाहिए था एंड ऑल, किस तरीके से हमारा खरीदने का तरीका या फिर किस तरीके से हमारे हमें राइट्स मिले हैं, इस तरह की चीजें जो है हम लोग एक एक करके इस टॉपिक में करेंगे. ऑल्सो एग्जामिन इन वेरियस रेगुलेशंस दैट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजंस इन इंडिया. सो ऐसे कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ एक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे जो है मार्केट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है या वो होता है. ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं तो जो भी मार्केट में लोग डिसीजन लेते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही लेते हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, और उन्हीं लॉज को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. नाउ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस फेजेस. जस्ट अ सेकंड. हाँ, कंज्यूमरिज्म इन इंडिया हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस फेजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. हेयर आर की फेजेस ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया. ठीक है, सो कंज्यूमरिज्म जो है हमारे इंडिया में वो इवॉल्व किया है धीरे धीरे करके, और उसको बहुत सारी चीजों ने इन्फ्लुएंस किया है, उसको उसके ऊपर एक तरीके से प्रभाव डाला है. सबसे पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर की बात हो गई, तो आप इस तरीके से समझो कि जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कुछ नहीं थी, बेकार थी, कुछ भी हमारे पास उस टाइम पे नहीं था. पर जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो किया वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती गई. तो उस टाइम के लोगों का जो कंज्यूमरिज्म था, लोगों को कंज्यूमर को जिस तरीके से उस टाइम पे जो फायदा था या नुकसान था वो अभी के टाइम पे नहीं है. अभी के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट है, उससे अच्छा कंडीशन है. अभी के टाइम पे कस्टमर इज किंग बोला जाता है ना. कस्टमर के पास सारी अथॉरिटी है, वो कंप्लेन कर सकता है, उसको प्रोडक्ट पसंद ना आए वो चेंज करा सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस अभी के टाइम पे हैं, वो केस कर सकता है कंपनीज के ऊपर. लेकिन ऐसा जो है प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस इस तरह की चीज जो है बहुत ज्यादा यूज में नहीं थी, है ना. सो वो एक इन्फ्लुएंस हो गया. सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी एक जो है फैक्टर्स है जिसके जरिए कंज्यूमरिज्म के ऊपर असर पड़ता है. ठीक है, और उन्हीं चीजों को हम एक एक करके करेंगे. सबसे पहला है प्री इंडिपेंडेंस फेज. सो प्री इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि आजादी के पहले का क्या फेज था. आजादी के पहले जो है कंज्यूमरिज्म किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहा था, कंज्यूमरिज्म की क्या वैल्यू थी उस टाइम पे, वो है. ठीक है, सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्राइमरीली एन एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, सो इंडिया अभी भी हम लोग प्राइमरीली एग्रेरियन इकोनॉमी ही है. एग्रेरियन का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड हो. हमारा एग्रीकल्चर इंडिया में काफी ज्यादा है, तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा है वो एग्रीकल्चर है, वहीं से सब कुछ होता है, उसी के जरिए पूरा कंट्री चलता है. इसलिए देखना टीवी में आए दिन न्यूज सुनने को मिलेगा कि किसानों के लिए ये करो, किसानों के लिए वो करो, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ये किया वो किया, इस तरीके से चीजें जो है बोली जाती हैं. वो इसीलिए बोली जाती हैं क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टिल एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है. और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस खासकर 1991 तक ये तो पूरा का पूरा एग्रेरियन ही था. उस टाइम पे उतना बिजनेस इंडिया में था नहीं, जो था वो इंडियन गवर्नमेंट का ही था, बाहर की कोई कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना. सो पहले उस तरीके का था. और इवन अभी भी 1991 में लिबरलाइजेशन करने के बाद भी अभी भी हम लोग एक एग्रीडियन इकोनॉमी ही है. ठीक है, सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्राइमरीली एन एग्रीडियन इकोनॉमी विथ लिमिटेड कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसीज, है ना. यहाँ पे बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, कंज्यूमर्स की बात नहीं की जाती थी. ठीक है ना, कंज्यूमर तो थे, कस्टमर तो उस टाइम पे भी थे, लेकिन उनके हक का उनको नुकसान ना हो ये सोचना पहले जो है मेन फोकस नहीं था. द फोकस वॉज ऑन मीटिंग बेसिक नीड्स. उस टाइम पे मेन फोकस था कि सबका बस काम चलने लायक हो जाए, कोई रात में भूखा ना सोए, क्योंकि हमारी ऐसी सर भी वो लोग हालत पता नहीं है थी. कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं दे देते हैं ना. यस यस, सेटिस्फेक्शन तो उस टाइम पे भूल ही जाओ. उस टाइम पे लोग खाना खा ले वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जी लोगों को सर, खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था. और आपको पता है वो हरित क्रांति जब हमारे यहाँ होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आई थिंक 1970 या कुछ समथिंग के आसपास होता है, उसके पहले इंडिया में यस कितनी बार मतलब अकाल पड़ा था, जो फेमाइन बोलते हैं ना, वो यस सर, फेमाइन. अकाल पड़ा था. तो उस तरह का कंडीशन उस टाइम पे था. सो लोगों को खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी प्री इंडिपेंडेंस फेज में. सो कंज्यूमरिज्म तो बहुत ही कम, लोग सोचते ही नहीं थे उसके बारे में. एंड मास कंजम्पशन वॉज नॉट प्रेवलेंट ड्यू टू पॉवर्टी एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और जो मास कंजम्पशन है उस टाइम पे उतना
नहीं चलता था क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा गरीब थे उस टाइम पे, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी वहां पे उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, असल में सर, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टार्ट, जो सर बाहर की ये कंपनीज आकर यहाँ पे कर रही थी ना सर रूल। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एक्चुअली था, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर बहुत ही कम था और गवर्नमेंट का उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। आप उसको इस तरीके से सोचो कि आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से 50 बार परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो आप कर पाओगे। तो आप अगर अपनी इंडस्ट्री को ग्रो भी करना चाहिएगा ना, तो वो काफी टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में, क्योंकि बार बार आपको पूछना पड़ रहा है। लेकिन 1991 के बाद क्या होता है कि आप एक तरह से मार्केट को ओपन कर देते हो कि कोई भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करे। बाहर की तो जो कंपनीज आई सो तो आई ही है ना, और जो उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन में भी हालांकि वही होता है, ग्लोबलाइजेशन में भी वही होता है कि बाहर की लिबरलाइज। कंपनीज आती हैं। जी यस कहिए। सर, हाँ सर तो एलपीजी तो पूरा वही है ना सर कि बाहर की कंपनी जाके हमारे इंडिया में वर्क कर सकती है ना। नहीं, एलपीजी में तीन चीज है, एक तो लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन में जनरली क्या यस होता है कि जो सर। इंडियन कंपनीज है उनको आपने अलाउ कर दिया कि वो बाहर जा सकती हैं, पहला तो वो। दूसरा, उनको अलाउ कर दिया गया कि बहुत सारे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, बहुत तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस था। तो उन सबको हटा दिया गया, सबको हटा दिया ओके गया सर। ताकि लोग जो है आसानी से चीजों को अपने हिसाब से कर सके। वही रूल्स यस सर। आपको इस सर और तरह से बहुत, प्राइवेटाइजेशन में सर कंपनीज को प्राइवेट किया जा रहा है ना, यही है ना। हाँ, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जो पीएसयूज है, उनको प्राइवेट करना। अभी के टाइम पे ओके गवर्नमेंट, सर। अभी की जो गवर्नमेंट है काफी तेजी से कर रही है, बट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वह थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी। इसीलिए कांग्रेस के ऊपर ना पॉलिसी पैरालिसिस का भी इल्जाम लगता है, क्योंकि उन लोगों का जो पॉलिसी था वो यस काफी स्लो था, बहुत तेज नहीं था। जैसे मोदी गवर्नमेंट काफी तेजी से कर रही है, हालांकि इतना तेजी भी सही नहीं होता है, क्योंकि इसका असर जो है नॉर्मल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो कॉमन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने कोविड हिसाब से ठीक ही चल रही है, बट वो लोग स्लो थे, ये लोग काफी तेज हैं। जबकि हम लोग को थोड़ा सा मीडियम रास्ता अपनाना चाहिए, जहां पे हम लोग प्राइवेटाइजेशन भी करें लेकिन साथ ही साथ इस तरीके का भी व्यवहार ना करें कि जो लोकल जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसका बैंड बच जाए। ठीक है, जी अभी सर। जैसे बीपीसीएल की बात हो रही थी कि बीपीसीएल को बेचा जाएगा, भारत पेट्रोलियम जो है, अब उसको मान लो अगर यस प्राइवेटाइज कर दिया गया तो क्या होगा, जो भी वहां के उसके अंडर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होंगे उनका जॉब का कोई सियोरिटी नहीं रहेगा, उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, पहला बात वो। दूसरा बात, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है उसका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना, पब्लिक कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, उसका काम पब्लिक को, पब्लिक की सेवा होती है, ना कि पब्लिक से प्रॉफिट निकालना होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का काम होता है पब्लिक से पैसे निकालना। तो जब पैसे निकालने की बारी आएगी तो वो लोग उस जो चीज 100 रुपए में बिक रहा है उसको हो सकता है वो लोग 105 या 110 रुपए में बेचे, ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बढ़ाएंगे। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन का सर। फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि प्राइवेटाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि ये लोग काम को बहुत डिले करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, टाइम पे नहीं करते हैं, है ना, इस तरीके का सुनने को मिलता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनीज बहुत ही सख्त होती हैं। अगर आप काम पे टाइम नहीं करोगे, यू आर फायर्ड, सिंपली एक ही लाइन बोलता है, यू आर फायर्ड। ठीक है, तो कभी भी किसी को सैक किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है। तो फायदा ये है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्राइवेटाइजेशन होने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो चीज है। सो लिबरलाइजेशन के फेस में वही है कि जो नियम्स थे कि बाहर की कंपनीज कब आएगी, कितना वो लोग इन्वेस्ट कर सकती है, कितना इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा, उसको काफी इजी कर दिया गया। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि इंडिया में तकरीबन 17 तरह की इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, 1991 के टाइम पे 17 या 27 ऐसे कुछ करके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा फिगर। उसमें से 6 या 7 या 10 के आसपास जो है कंपनीज को छोड़ करके बाकी सारे कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब लिबरलाइज कर दिया गया, जिसके कारण से प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल हो पाया। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अभी वोडाफोन का, आपने नाम सुना है ना। यस अब जो वोडाफोन की कंपनी है वो इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, बट इंडिया में काम कर रही है, कैसे, सो लिबरलाइजेशन की वजह से। लिबरलाइजेशन में हम लोगों ने चीजों को लिबरलाइजेशन इजी कर दिया तो बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर पाई, एफडीआई ला पाई, जिसके कारण से वो एक चीज जो है तैयार हुआ। प्राइवेटाइजेशन में देखना क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी के, आप जैसे कि एलआईसी का नाम सुना होगा आपने, एलआईसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यस थी,
एलआईसी का प्रॉफिट इंडिया में जितनी भी सारी पीएसयूज है सबसे ज्यादा प्रॉफिट एलआईसी का है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टिल एलआईसी को प्राइवेटाइज किया, पूरी तरीके से नहीं लेकिन 10% उसका, 10% जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है ना। तभी तो मेरे पास शेयर है, एलआईसी का शेयर मेरे पास है, नहीं तो एलआईसी का शेयर मेरे पास क्यों होता। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स को, आप अपने हिस्सेदारी को लोगों में बांट रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं उसके पैसे, उसके बदले पैसे मार्केट से उठा रहे हो और उसी पैसे का इस्तेमाल अलग अलग कंपनीज को जो डूब रही हैं उनको बचाने में किया जा रहा है। आपने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना होगा, आईडीबीआई को बचाने के लिए एलआईसी को आना पड़ा, उसके बाद और भी बहुत तरह के बैंक्स थे जिसको बचाने के लिए एलआईसी ने पैसे दिए हैं, एसबीआई ने भी दिए हैं, तो एसबीआई का भी शेयर मार्केट में है। यस तो वही होता है कि आप कंपनीज को बचाने के लिए इस तरह की चीजें जो है आप कर रहे हैं। एंड यस, सो लिबरलाइजेशन, उसके पहले हम लोग थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेते हैं, 1950 से लेकर के 1980s तक क्या क्या हुआ था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल विद एन एम्फेसिस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो मेन काम था वो ये था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो प्लान्ड हो, हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं प्राइवेट कंपनीज भी है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जब गवर्नमेंट का ही सिर्फ रूल होगा तो उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, और अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में अगर रूल होगा, कंट्रोल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसीलिए वो इतनी अमीर है क्योंकि वहां कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, उन लोगों ने सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। वहां मतलब न्यूयॉर्क में $2500 आपको पे करना पड़ेगा एक महीने रहने का, आप इंडिया में किसी भी शहर में चले जाओ 4 से 5 हज़ार रुपए में आपको एक डिसेंट सा ही हाउस मिलेगा, बहुत अच्छा हाउस तो नहीं मिलेगा पर डिसेंट सा हाउस आपको within 5,000 आपको जो है मिल जाएगा रेंट पे। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो उसके लिए आपको $2,500 देने हैं, मतलब 80 80 160 अराउंड 2 लाख रुपीज एज अ रेंट आपको पे करना पड़ेगा। सो कैपिटलिस्ट होने का नुकसान सबसे बड़ा यही है कि वहां के जो जो कॉमन लोग होंगे, जो होमलेस लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, उनका बैंड बच जाता है, ठीक है। सो वो है, तो हमारा था कि हमारा मिक्स होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी होंगी और गवर्नमेंट कंपनीज भी होंगी, और हम लोग सेल्फ सफिशियंसी के ऊपर काम करेंगे, हम लोग चीजों को खुद बनाने की कोशिश करेंगे और बाहर से इम्पोर्ट तभी करेंगे जब हम लोग को जरूरत होगा, पर हमारी जरूरतें इतनी है कि हम लोग को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग दिस फेज कंज्यूमरिज्म वाज रिलेटिवली रिस्ट्रेन्ड, है ना, वही बात बोली गई है कि इस फेज में जो कंज्यूमरिज्म था वो रिस्ट्रेन्ड था, कंज्यूमर्स को सारी चीजें मिलती नहीं थी, मिलती भी थी तो बहुत महंगा मिलता था और आप कंप्लेन उतना नहीं कर सकते थे, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह सब बहुत बाद में आया है, ठीक है। सो बहुत ही रिस्ट्रेन्ड थी एंड द गवर्नमेंट प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी बड़ा रोल था, उन्हीं का एक्चुअली रोल था, डोमिनेंट रोल था। देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है प्रोडक्शन के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि जिस चीज का जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे गुड्स जिसका जरूरत नहीं है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप उसको पैदा ही नहीं कर सकते। साथ ही साथ फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर, कोलगेट के ऊपर, एप्पल के ऊपर, कोई भी कंपनी बाहर से इंडिया में जल्दी नहीं आ सकती थी, परमिशन ही नहीं था, ठीक है। फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर लिमिटेशंस था कि नहीं हो सकता, लेकिन 1991 में जब हमारी इकोनॉमी एकदम खराब हो जाती है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि हम लोग बाहर से चीजें मंगवा सकें, उस टाइम पे जो पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मोदी गवर्नमेंट के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर देन, 1991 के टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव ने उनको बोला कि आपको जो बन पड़े आप कीजिए लेकिन हमारी इकोनॉमी को आप मजबूत बनाइए, तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी किया, और गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा था आईएमएफ से। मैंने बोला था ना कि जब लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है आपका अपने इकोनॉमी को ठीक करने के तो आप आईएमएफ के पास जाते हो, तो आईएमएफ ने लोन इसी बात पे दिया कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर के कमा सके और इंडिया की कंपनीज भी कुछ सीख सके उनसे ताकि वो भी कॉम्पिटेटिव बन पाए। इसका हालांकि सबसे बड़ा नुकसान जो है इंडियन कंपनीज को ही होता है, क्योंकि बाहर से जब कोई कंपनी आती है तो वो काफी सारा पैसा लेकर के आती है, और जब पैसा लेकर के आएगी तो सस्ता सामान बेचेगी, और सस्ता सामान बेचेगी तो जो इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया की जो कंपनीज है उसको नुकसान होगा और वो धीरे धीरे एक तरीके से बंद हो जाएगा।
ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी 1991 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट। इट लेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स। देखो, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया, इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। पहले तो था ही नहीं, बहुत ही कम था, हल्का फुल्का जो भी था वो गवर्नमेंट के थ्रू होता था, वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनीज में होता था। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद उसको ठीक कर दिया गया। एंड द एंट्री ऑफ एमएनसीज, देखो एंट्री ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी उस टाइम पे उनको एंट्री नहीं था, 1991 के बाद उनको एंट्री मिला है कि आप इंडिया में आकर के काम कर सकते हो। कैपजेमिनी, डेलॉयट, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है उनको बाद में मौका मिला है 1991 में। दिस फेज विटनेस अ सर्ज इन कंज्यूमरिज्म। अब इसके कारण से जो कंज्यूमरिज्म है वो काफी बढ़ा। कंज्यूमरिज्म इज लाइक कंज्यूमर का फायदा, कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो काफी बढ़ा, पहले तो वो था ही नहीं। एज कंज्यूमर्स गेन्ड एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा तो वही चीज है कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर आपको एक कंघी भी खरीदनी है ना, उसको बनाने के वाले भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब आपको चूज करना है कि कौन सा अच्छा है, जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो लेकिन पहले वो ऑप्शन नहीं था, राइट? तो वो है, कहाँ थे हम लोग, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, अर्बनाइजेशन एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल ट्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब ये सारी चीजें जब हुई, जब हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, ऐसा खर्च जो कि आप डिस्पोज कर सकते हो, आप खर्च कर सकते हो, ऐसा इनकम, शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन इज लाइक शहरीकरण, जब गांव शहर में तब्दील हो जाते हैं, एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल ट्रेंड्स। अभी जैसे हम लोग गुची का नाम बहुत सुनते हैं, गुची हो गया, या फिर रीबॉक, एडिडास, इन सब का नाम हम लोग काफी सुनते हैं, प्राडा हो गया, कप्रीसी हो गया, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जिसका नाम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका नाम है और वो काफी ज्यादा बिकता है। जारा हो गया, हालांकि जारा को जारा नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, आरा और समथिंग, आई डोंट नो। सो उसका, उसके ऊपर स्पेंडिंग जो है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स। अच्छा, ग्लोबली ये चल रहा है तो चलो हम लोग भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो चीज। चौथा है डिजिटल एरा। अब बात आती है फ्लिपकार्ट अमेजन की, जब ये स्टार्ट होता है, आज से 20 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, है ना। ये लोग स्टार्ट करते हैं किताब बेचने को लेकर के। अमेजन सबसे पहले किताबें बेचता था, सेम चीज फ्लिपकार्ट करता था। अब किताबें बेच बेच करके जब देखा कि चलो किताब तो बिक गया, अब कुछ नया सामान बेचा जाए, तब उन लोगों ने जो बाकी के सारे सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो गया, फिर कुछ भी हो गया, धीरे धीरे करके वो लोग अपने बकेट में, जो उनका बिजनेस का बकेट था, उसको वो लोग उसमें डालते गए और एक पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, जब, और जब इंटरनेट फ्री हो गया 2014 के बाद, इंटरनेट एक तरीके से फ्री है हमारे लिए। पहले 1 GB यूज करने के लिए 300 रुपए पे करने पड़ते थे, 2G वाला, और 4G जब से आया तब से सब कुछ फ्री है, मतलब काफी कम रुपए में आप बहुत ज्यादा डेटा यूज कर सकते हो। तो उसके कारण से हर एक चीज बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिकली हर एक चीज का जो है सेल काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपका जो एक्सेस है वो काफी बढ़ गया है। पहले एक्सेस ही नहीं होता था, पहले हम लोग सिर्फ गाने डाउनलोड करते थे songs.pk से, लेकिन अभी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, पहले मूवीज डाउनलोड करके लैपटॉप में रखा जाता था कि भाई देखेंगे, अभी के टाइम पे कुछ नहीं करना होगा, आप बस सब्सक्रिप्शन ले लो और वो चल जाएगा। मुझे याद है 2007-08 के टाइम पे हम लोग ना, बहुत सारा ऐसा ऐप आता था जो कि यूजेबल नहीं था, इंडिया में यूज हम लोग नहीं कर पाते थे उसको ठीक से, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। वो लोग लाइव टीवी ऑफर करते थे और मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि अरे वाह, लाइव टीवी, टीवी हम लोग देख पा रहे हैं, वाह वाह वाह, लेकिन वो चलता नहीं था इंडिया में। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी तो हर चीज मतलब ऐप पे है। आप Amazon प्राइम डाउनलोड कर लो, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार डाउनलोड कर लो, आपका हर एक चीज काफी आसान हो गया है। ठीक है, सो डिजिटल, डिजिटलाइजेशन के कारण जो कि 2000 से स्टार्ट हुआ था, चीजों का जो डिमांड है, जो चीजों का यूज है, कंज्यूमर्स जो उस चीज को यूज करेंगे, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सो द प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म कंज्यूमर बिहेवियर। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो काफी बदला है। अगर आपके पास किसी चीज की बहुत ज्यादा, आपके पास वो चीज होगी ना, तो आप उस चीज को यूज भी ज्यादा करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट होता ही नहीं तो आप यूज ही नहीं करते, पर आपके पास है ही इतना ज्यादा कि आप सारा दिन इंटरनेट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव आया है। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, बहुत सारे हैं। पहले के टाइम पे ईबे बहुत चलता था, लेकिन ईबे का मार्केट पूरी तरह से बर्बाद है अभी। हालांकि यूएस में काफी चलता है अभी भी, बाहर के देशों में चलता है,
इंडिया में ईबे उतना कोई लोग यूज नहीं करते, एंड अमेजन और फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इसका जो है यूज होता है, और दोनों ही फॉरेन की कंपनीज हैं। फ्लिपकार्ट पहले इंडियन था, लेकिन इसको जैसा कि मैंने बताया था कि इसको वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है, और जब आप एक्वायर कर लेते हो तो वो कंपनी तो उसी की हो गई, राइट? सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिवोल्यूशनाइज शॉपिंग हैबिट्स, है ना? डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब कि किसको पता था कि पहले हम लोग सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और जो है पैसे चले जाएंगे। सो इन सब चीजों के कारण भी जो है कंज्यूमरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। कंज्यूमरिज्म कुड नाउ एक्सेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर, लीडिंग टू अ सर्ज इन ऑनलाइन कंज्यूमरिज्म। हम किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी मंगवा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर साउथ इंडिया में भी है तो मैं अपने पास मंगवा सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया के बाहर भी है तो भी मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास मंगवा सकता हूँ। अब अगर ये फैसिलिटी आपके पास हो तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो ऑनलाइन कंज्यूमरिज्म के ऊपर काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा है, और वो बढ़ा है, सर्ज देखने को मिला है। फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अभी के टाइम में जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि अभी हम लोग प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा चूजी हो गए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हम लोग चूज करते हैं, और साथ ही साथ कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक भी करते हैं, उसको रिटर्न भी कर देते हैं, उसके बदले नया चीज मांगते हैं, है ना? तो उसके कारण से जो जो सस्टेनेबिलिटी है, कॉन्शियसनेस है ना, हमको पता है कि ये प्रोडक्ट अगर खराब निकलेगा और कंपनी अगर मुझे इसका रिफंड नहीं देगी तो उस चीज को लेकर के मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ, राइट? कंज्यूमर तो जो आपको जो प्राइस ऑफर किया जाता है, जो कि कंपनीज बहुत सारी हैं, तो जो प्राइसेस वो लोग ऑफर करेंगे वो भी ऐसा प्राइस होगा जो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं। अब देखो, जब मोनोपोली होती है तो प्राइसेस काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बेच रही है तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, राइट? तो वो भी हम लोग को देखने को मिलता है, कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म अभी देखने को मिलता है। सो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंजम्पशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंजम्पशन, ऐसा कंजम्पशन जो कि गलत नहीं है, ठीक है? कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ देयर परचेजेस, ठीक है? हम लोग जो भी चीजें परचेज कर रहे हैं उसका सोशल क्या इंपैक्ट है, एनवायरमेंट क्या का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, वो भी हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। दिस हैज लेड टू द राइज ऑफ कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, इसके कारण से जो है कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म काफी बढ़ा है हमारे में, वेयर कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज इको फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली है और सोशली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अच्छे हैं आप बोल सकते हो, उससे सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म है वो काफी बढ़ा है, हम लोग कॉन्शियसली चीजों को कर रहे हैं, ठीक है? सो दीज वेयर दैट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलेशंस लॉज, ऐसे लॉज जो कि मार्केटिंग डिसीजंस को इंडिया में इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके करेंगे। सो सेवरल रेगुलेशंस अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजंस इन इंडिया, एमिंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ठीक है? सो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फेयर कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया गया है, और वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, और उसी का फायदा जो है हम लोगों को देखने को मिलता है कि चीजें जो है हमारे पास सही आ रही है। यहाँ पे देखो, रिसेंटली एक एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इससे पहले ये 1986 था, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद ये एक्ट 2019 बना है, ठीक है? दिस एक्ट एम्पावर्स कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, ये पहले से था, ठीक है ना? दो चीज इन लोगों ने और बनाया है, पहले कंज्यूमर कोर्ट हुआ करता था, अभी काउंसिल भी बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सीपीसी एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इसी के अंदर जो है आपका कंज्यूमर कोर्ट वगैरह भी आ जाएगा। तो इन सबको बनाया गया है ताकि आप को जब प्रॉब्लम हो तो आप कहीं तो जाकर के कंप्लेन करोगे ना, आपने 50,000 रुपए का एसी लिया और एसी ही खराब निकला, और कंपनी वो बोल रही है कि नहीं, अब मैं उस चीज को वापस नहीं करूंगा, तो आपका 50,000 रुपए तो फंस गया, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही जाने दोगे? नहीं जाने दोगे, आप तो कोर्ट में केस करोगे, तो आप जो कोर्ट में केस करोगे वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, ठीक है? तो वो चीज का व्यवस्था किया गया है। दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, जो भी फूड आइटम हम लोग खाते हैं, खासकर पैकेज फूड, घर में जो बनता है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी चीजें जो बाहर से हम लोग खा रहे हैं, देखना उसमें फूड स्टैंडर्ड FSSAI का वहां पे देखना सिंबल बना होता है, और बोलता है कि इसके तरफ से ये अप्रूव्ड है,
मतलब जो केमिकल्स, जो चीजों का इस्तेमाल बाहर के आइटम में वो लोग करते हैं, कंपनीज करती हैं, वो सेफ्टी लिमिट्स के अंडर है। मतलब उससे हमारा कोई बॉडी के ऊपर खास नुकसान नहीं पड़ेगा। हालांकि पैकेज फूड कभी भी अच्छा नहीं होता है। पैकेज फूड बाहर का अगर आप खाना बंद कर दोगे तो ही अच्छा है, बट बहुत मुश्किल है बंद कर पाना, पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन कम किया जा सकता है। सो FSSAI एक बॉडी है जो कि उन फूड के स्टैंडर्ड को वेरीफाई करती है और अप्रूव करती है कि इसको जो है, एक मिनट जरा से मैं पानी पी लूं। ओके गाइस, सो FSSAI का काम वही होता है कि फूड की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो सारी की सारी जो है FSSAI के रेगुलेशंस के अंडर में हो। और उसका रेगुलेशन में बस यही बात है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे वो सेफ हो, लोगों को उससे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। लेकिन पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा करके ही पहुंचता है। बाहर की चीजें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, इसलिए मना किया जाता है कि बाहर की चीजें मत खाओ, ठीक है, क्योंकि वो चीजें जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। तीसरा है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स को मॉनिटर करता है। टीवी में देखना बहुत सारा एड ऐसा चलेगा जिसको देख करके लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत सही है, लेकिन जब आप उस चीज को करते हो तो आपको पता चलता है कि जो एड में बोला गया वो तो है ही नहीं। अब इसी चीज को एक्चुअली पॉइंट बना करके रेडबुल के ऊपर केस हुआ था। ये मैंने बताया था, आई थिंक रेडबुल का टैगलाइन था इट गिव्स यू विंग्स। तो यस एक वकील ने को केस कर दिया कि भाई ये हमें, जब मैं इसको पी रहा हूं तो मुझे तो पंख मिल नहीं रहा, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये मुझे विंग्स मिल रहा है। ये गूगल में भी है, अगर आप सर्च करेंगे तो दिखेगा। तो बाद में कंपनी ने अपने स्लोगन को चेंज करके विंग्स के जगह पे विंग्स कर दिया, डबल आई ट्रिपल आई यस लगा दिया, ट्रिपल आई लगाया एक्चुअली, डबल भी नहीं ट्रिपल आई है वो, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट आई गेस ट्रिपल आई है, जो भी हो। सो वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि आप जो एड चला रहे हो वो लोगों को मिसलीड ना करे, वो कंज्यूमर्स को मिसलीड ना करे, उनको बेवकूफ ना बनाए, उनको गुमराह ना करे, है ना। तो वो चीज को कंट्रोल करने का काम जो है हमारा ASCI का है। ASCI मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स एडवर्टाइजिंग कंटेंट इन इंडिया टू इंश्योर इट कंप्लाइज विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड डज नॉट मिसलीड कंज्यूमर्स, ठीक है। चौथा है कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट में वही है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, आप अपने सामान को इतना भी कम प्राइस में नहीं बेच सकते कि बाकी सबको नुकसान हो जाए, ठीक है। कोई बाहर की कंपनी है, सपोज वो क्या करे, उसके पास जैसा कि मैंने बताया ढेर सारे पैसे हैं, उसको मार्केट को कैप्चर करना है, वो क्या करेगी, फटाक से अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर देगी। तो उस टाइम पे कंपटीशन एक्ट काम नहीं आने वाला, तुरंत काम नहीं आएगा, कोई जाकर के उस चीज का कंप्लेन करेगा किसी जो कोर्ट है हमारा उसके सामने कि भाई इसने जानबूझ करके मैल प्रैक्टिस किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है, ताकि बाकी सबको नुकसान हो, इसलिए प्राइसेस को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। तब जाकर के जो कोर्ट है उसके ऊपर फैसला सुनाएगी और बोलेगी कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, और उससे काफी ज्यादा फाइन जो है वसूला जाएगा, और उसको वापस से बोला जाएगा कि आप अपने प्राइसेस को रीस्टोर करो, जो आपका पहले का प्राइसेस था वो आप करो। दिस एक्ट एम्स टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, है ना, एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, जहां पे आप कॉम्पिटिशन कर ही नहीं रहे हो, आप कॉम्पिटिशन के नाम पे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, एंड प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। इट रेगुलेट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये मर्जर एंड एक्विजिशंस को भी, दो कंपनी जब आपस में मिलती है, जैसे कि वी का आपने नाम सुना होगा, वोडाफोन आइडिया को मिला करके वी बन गया वो, है ना। तो ये जो मर्जर हुआ आपस में, एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर ले, खरीद ले। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, नाम फ्लिपकार्ट ही है बट वॉलमार्ट, ठीक है ना। सो किसी भी तरह का मर्जर या फिर एक्विजिशन जब होगा तो वो गलत तरीके से ना हो, सही हो, दोनों कंपनीज को फायदा हो, ये देखने का काम भी हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कोर्ट्स करती है। तीसरा, पांचवा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया है कि बुद्धिमत्ता के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मैंने अपने दिमाग से अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया सपोज जिसके जरिए मेरा काम बहुत आसान हो गया,
मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट का मैं पेटेंट करा लूंगा, और अगर मैंने उसको पेटेंट करा लिया तो उस चीज के ऊपर कोई और बंदा बिना मेरे से पूछे काम नहीं कर सकता। ठीक है, पेटेंट कराना, ट्रेडमार्क कराना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये अलग। अब जैसे कि मेरा ट्रेडमार्क, सपोज कॉमर्स की पाठशाला का एक लोगो है, उसका एक ट्रेडमार्क है। अब कोई बंदा अगर कॉमर्स की पाठशाला के नाम पे कुछ और करे, और मेरा अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कि बस मैंने नाम रख लिया तो मेरा मेरा रजिस्टर्ड हो गया, आपको गवर्नमेंट के पास जाकर उसको रजिस्टर कराना होगा, फी पे करना होगा। तो अगर आप वो करते हो, और कोई और व्यक्ति अगर कॉमर्स की पाठशाला आपका नाम रखता है, अपने कंपनी का नाम रखता है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि भाई वो उसने मेरे कंपनी का नाम यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल किया है। ये अभी रिसेंटली मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई थिंक BST बिजनेस स्टडीज का ही बुक था, क्लास 12 का, जहां पे एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी थी गोवा की कुछ, ठीक है ना। उसने किसी और कंपनी के ब्रांड को यूज किया, मतलब नाम को यूज किया, और वो कंपनी गवर्नमेंट के पास लिस्टेड थी, रजिस्टर्ड थी, तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया और उसको काफी भारी भरकम फाइन जो है पे करना पड़ा। ठीक है, सो इस तरह की चीजें जो है, IPR का मतलब हो गया कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप उसको एक तरीके से रजिस्टर करा ले रहे हो। ठीक है, दीज लॉज प्रोटेक्ट ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज यूज और इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, छठा है GST, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि मुझे उम्मीद था कि काफी इजी होगा, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी के टाइम पे ये। इसका बहुत सारा रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, काफी सारा रेट है GST का अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है ना, तो ये जब से आया है थोड़ा आसान तो हुआ है कि सबका नाम सेम हो गया है GST, हालांकि जो रेट्स हैं उसके कारण काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो GST GST है। सातवां है पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस। ठीक है, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से पैकेज करोगे, किस तरीके से लेबल करोगे, वो उस चीज को भी मॉनिटर किया जाता है। आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, मिसलीड नहीं करना चाहिए। आपके पैकेज में कुछ आपने ऐसा लिख करके रखा है जिसके जरिए आप मिसलीड कर रहे हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बाहर में कोई सामान खरीदोगे तो देखना पीछे में लिखा हुआ रहता है ना कि इसमें इतना कार्ब्स है, इतना प्रोटीन है, इतना आपका फैट है, इतना आपका ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट्स आर नॉट गुड, तो उस तरह की चीजें देखना पीछे में लेबल में होती हैं। तो आपने सपोज कुछ गलत वहां पे लिख के रखा है, जो एक्चुअल है उससे कुछ गलत लिख के रखा, आप किसी ने अगर क्लेम कर दिया तो आप गए। ठीक है, सो पैकेजिंग और लेबलिंग रेगुलेशन भी काफी हद तक मॉनिटर करता है। प्रोडक्ट्स मस्ट कॉम्प्लाई विद पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्रेडिएंट्स। देखो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिलाया है, उसमें उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो मैं अभी बता रहा था, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है ना, एंड सेफ्टी वार्निंग, उसको यूज करने का क्या फायदा, क्या नुकसान, कोई वार्निंग तो नहीं है। इस तरह की चीजें आपको अपने पैकेजिंग लेबलिंग में देनी जरूरी है, पैकेजिंग में देनी जरूरी है। ठीक है, आठवां है डेटा प्रोटेक्शन लॉज। रेगुलेशन लाइक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विल गवर्न द कलेक्शन एंड यूज ऑफ कंज्यूमर डेटा। अभी देखना कि आपने अगर LIC की पॉलिसी ली किसी एक कंपनी से, तो वो LIC वाला तो आपको कॉल करेगा ही, प्लस जो और भी LIC की कंपनीज वाले लोग होंगे वो भी आपको कॉल करेंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन LIC में करवाया था, मेरे पास टाटा से, रिलायंस से, अलग अलग टोक्यो, इफको टोक्यो जो है, या फिर जितनी भी सारी LIC कंपनीज हैं, LIC राइट, LIC की कंपनीज हैं या फिर GIC की कंपनीज हैं, है ना, वो आपको कांटेक्ट कर रही है जबकि आपने उनको अपना फोन नंबर दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका डेटा चोरी हुआ है, आपका डेटा किसी और के पास गया है, तभी तो वो आपको कॉल कर रहा है। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉज में हम उन डेटाज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। रेगुलेशन लाइक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्न द कलेक्शन एंड यूज ऑफ कंज्यूमर डेटा। मना करता है लेकिन फिर भी होता है। अफेक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेटा प्राइवेसी प्रैक्टिसेस, इसके जरिए भी बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया जाता है मार्केटिंग डिसीजंस को। ओके, सो कंक्लूड करते हैं फिर। मार्केटियर्स इन इंडिया मस्ट नेविगेट दिस रेगुलेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस, मेंटेन कंज्यूमर ट्रस्ट, है ना, एंड ऑपरेट एथिकली इन द मार्केट। जो मार्केटियर्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, ठीक है ना, जो इसको काम कर रहे होते हैं, उनका काम होता है इन रेगुलेशंस को, इन लॉज को नेविगेट करना, समझना कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इंश्योर कंप्लायंस। आप जो काम करोगे वो कंप्लाई करके करो, जो रूल्स है उसको आपको कंप्लाई करना है ना, कंप्लायंस हो गया। मेंटेन कंज्यूमर ट्रस्ट, कंज्यूमर के ट्रस्ट को बढ़ा करके रखना है, बना करके रखना है, और ऑपरेट एथिकली।
मार्केट में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कोई काम मत करो, प्रॉफिट कमाने के लिए करो, ठीक है। दीज रेगुलेशंस एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स एंड फॉस्टरिंग कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरमेंट। वही है जो रेगुलेशंस है, ये एक तरीके से हेल्प करता है कि आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, को जो कंपटीशन है वो मार्केट में बढ़ाया जा सके, और एक ट्रांसपेरेंट मार्केट जो है वो बने, एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट जो है मार्केट में क्रिएट हो जिसके जरिए फायदा सभी को हो, ठीक है। सो दैट्स इट, थोड़ा लंबा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आ सकता है एग्जाम यस में, इसको भी कर लीजिएगा। एंड दैट्स ओके इट फॉर सर, टुडे। शाम में अगर क्लास होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर कह रहे हम लोग का री रजिस्ट्रेशन कब होगा? री रजिस्ट्रेशन के बाद आप की बात आप दिसंबर में सोचिएगा, ठीक है, अभी टाइम है, एग्जाम एग्जाम हो जाए आपका, उसके बाद जो है वो ओके सर, विंडो ओपन होगा। दिसंबर, जैन, फेब काफी लंबा ओके चलता है, सर, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं बता दूंगा, वो सारी चीजें मैं इन्फॉर्म कर सर दूंगा। और कह रहे एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह तो फिलअप कर दिए सर, मेरा असाइनमेंट भी सारा सबमिट हो गया सर, तो अब तो सिर्फ एग्जाम ही देना है सर, बीच में तो और कोई